दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय किसान संघ की गर्जना रैली का अभी समापन हो चुका है और स्पष्ट तौर पर किसान संघ के नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि अपने वादे याद करें और उनको पूरे करें। उसके साथ ही तमाम तरह की मांगे भी रखी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय किसान संघ के महासचिव मोहिनी मोहन मिश्रा जी हैं। आज आपने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दे दी कि 2022 तक के लिए जो वादे किए थे उसको पूरा करें और आगे का कदम भी आपने कहीं ना कहीं बता दिया। हाँ जी, सिर्फ घोषणा से काम नहीं होता है, नीतियों से काम नहीं होता है, इसी को धरातल पर उतारना पड़ता है। इसलिए आपको अगर रास्ता नहीं दिख रहा है तो किसान संघ को बुला के चर्चा करके हम बता देंगे कैसे वो लागू होगा, किसान की भलाई कैसे होगा। किन किन ऐसे बिंदुओं पर आपको लगता है कि सरकार जो है अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही? देखिए, एक तो प्रमुख वादा तो पहले से था उन पार्टी का, उन सरकार का, हर खेत को पानी, नल जल तो ठीक है, हम उसके विरोध नहीं है, मगर हर खेत को पानी कब पहुँचाएगा ये बड़ा विषय है। और दूसरा, सरकार ने इनके घोषणा पत्र में लिखा था कि GM फसलों को बिना चर्चा के अनुमति नहीं देंगे, मगर ऐसे चोरी छुप करके वो चोरी छुपे से अनुमति दे रहे हैं। लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य, ये कोई इधर उधर की बात नहीं है। किसान का खर्चा होता है, उनको लाभकारी मूल्य घोषणा करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बारे में सरकार का कोई पहल नहीं है। ये बाकी विषय चर्चा कर रहे हैं। तो जो GST वाला मामला है, ये कानून तो लूट हो रहा है किसानों से, इसको तुरंत समाप्त कर दे, बजट आ रहा है उसमें घोषणा कर दे, काम खत्म, नहीं तो फिर हम लड़ाई अपना तोड़ तोड़ के अलग करेंगे। आंदोलन की चेतावनी आपने सरकार को दी है, क्या डेडलाइन माना जाए 2024 का लोकसभा चुनाव? नहीं, देखिए, किसानों का जो समस्या, एक समाधान होता है दूसरा आता है, कोई डेडलाइन उसमें नहीं होता है। मगर सरकार को हम चेता रहे हैं कि आप किसान के हित में करना चाहते तो ये वो करना पड़ेगा, नहीं करना तो फिर किसान अपना रास्ता तय करेगा। आज पूरे देश से किसान यहाँ पर जुटे, उनके अंदर भी एक आक्रोश जरूर दिख रहा था सरकार के प्रति कि बार बार अपनी मांगे दोहराने के बाद भी उसे पूरा नहीं कर रहे। दो आक्रोश है, एक तो किसान परेशान था ये जो कानून को सरकार ने वापिस किया, हमने बोले थे कानून ने 2-3 विषय सुधार करके लागू करो, किसान के हित में था, इसलिए काफ़ी किसान वो आक्रोश थे, भाई साहब उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हो, इसलिए वो भी एक आक्रोश है। और सरकार जो घोषणा करता है, कृषि सिंचाई योजना बिक नहीं रहा है, सारी मंडियों में लूट हो रहा है, सो सरकार ये सारे विषय को किसान हित में लागू करे, तब जाके रास्ता निकलेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो स्पष्ट तौर पर मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि लोग भी जो दूर दूर से आए थे उनके अंदर इस बात का आक्रोश था और एक बार फिर अपना स्टैंड स्पष्ट किया है कि यदि सरकार समय रहते मांगों पूरे नहीं करती है तो बड़े आंदोलन का रुख भी अख्तियार कर सकता है भारतीय किसान संघ। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।